पुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटे कृष्ण मार्यादि चतुर्थकम पचमम स्कंद माता षष्ठम कात्यायनी च सप्तम काल रात्रि महागौरी अष्टम नवम सिद्धिदात्री नव दुर्गा नमस्तुते। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन मतलब प्रथमी, और आज है अग्रसेन जयंती भी। आज ही महाराजा अग्रसेन जी की जयंती है, जो कि अग्रोहा से थे, और हम अग्रवालों का जो वंशज स्टार्ट हुआ है वो उनसे ही स्टार्ट हुआ है उनका। आज मैंने पढ़ा, उनका एक बहुत ही लाइन, एक बहुत फेमस लाइन था, एक रुपए एवं एक ईटा। उनका ये मानना था कि अगर सारे घर से एक ईटा और एक रुपया भी निकले मतलब मिले, तो भारत में या कहीं भी कोई भी गरीब नहीं रहेगा, और किसी इंसान, कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जिसके पास घर नहीं होगा। मतलब उनका बहुत ही अच्छा थॉट था। तो हम भाई उनके ही वंशज है। मैं मारवाड़ी बहू हूँ, लेकिन शादी के पहले मैं मारवाड़ी नहीं थी। तो ये मेरा पहला है अग्रसेन जयंती जो मैं अटेंड करने वाली हूँ। आज बहुत ही बड़ा अग्रसेन जयंती मनाने मतलब मनाया जाने वाला है शाम में पूरे अग्रवालों के साइड से। हमारा एक अग्रवाल ग्रुप है, तो हम सब ने मतलब सभी लोग ने प्लान किया है आज मनाने का। तो बहुत ही बड़े पैमाने में ये हो रहा है अग्रसेन जयंती। उसके साथ साथ दुर्गा माता भी बैठाई जाएंगी, डांडिया नाइट भी होने वाला। तो मैं ये सब जितना भी है ये पहली बार अटेंड करने वाली हूँ। मैंने कभी डांडिया नाइट अटेंड नहीं किया है, या फिर पहले मैंने बता दिया मैंने कभी ये जयंती भी अटेंड नहीं की है। तो तुरंत मतलब चटपट न्यूज़ मिला है कि आज जाना है, और उसमें एक थीम भी मिल गया है कि सबको डांडिया वाइज रेडी होकर के जाना है। मतलब ये लहंगा लाचा वाचा पहन के, तो मेरे पास तो ऐसा कुछ भी सामान नहीं है फिलहाल। एक शादी का लहंगा है जो कि बहुत ज़्यादा भारी है, वो तो पहन के मैं जा नहीं सकती। तो मैंने सोचा है कि मेरे पास वो है ना अपना कैनकैन वाला स्कर्ट, तो मैं उसी में कुछ साड़ी ट्राई करूंगी। तो पहले वंशु को थोड़ा बहुत खाना खिला देते, क्योंकि आज के लिए खाना बिल्कुल नहीं खा रही है ये वायरल फीवर के वजह से। तो पहले वंशु कुछ खा पी लेती है, उसके बाद चलते हैं देखते हैं कि क्या पहन सकते हैं। वंशु के तो स्कर्ट निकाल दिया है मैंने, वंशु का एक स्कर्ट था वो निकाल दिया है, बट अपना अभी कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है। तो बस खाना खिला के फटाक से चलते हैं और मिलके डिसाइड करते हैं कि क्या पहने क्या नहीं पहने। टाइम भी बहुत कम बचा है, 2 ही घंटा बचा है हमारे पास, तो 2 घंटे में सारा प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलना आप भी हम लोग के साथ, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो चलो चलो, आपका भी फर्स्ट टाइम होगा, मेरा भी फर्स्ट टाइम होगा। सबसे पहले मैं फटाफट से वंशु के कपड़े आयरन कर रही हूँ, उसके बाद मेरा स्कर्ट भी मतलब जो कैनकैन स्कर्ट पहनना मेरे को वो भी आयरन कर देंगे। तो ये मैंने सब तैयार करके रख लिया, कैनकैन स्कर्ट भी आयरन हो गया, वंशु का ड्रेस भी आयरन हो गया, मैंने अपने साड़ी का पल्ला भी बना के रख लिया है। अब देख लो, चूड़ी भी निकाल दी है, स्ट्रेटनर भी निकाल दिया है बाल भी, बाल को भी आयरन करने के लिए। क्योंकि स्ट्रेट बाल होते हैं ना तो कुछ ज्यादा ही अच्छे लगते हैं, मेरे को लंबे लंबे ऐसे लगता है कि बाल बहुत प्यारे लगते हैं देखने में। तो फटाफट से मैं अपने बालों को भी आयरन कर लूंगी, उतना अच्छे से नहीं कर रही हूँ, रफली कर रही हूँ ताकि हल्के फुल्के स्ट्रेट हो जाए। बस साड़ी वाड़ी पहन के हो गए रेडी, प्यारा सा ये नेक पीस पहन लिया है, वंशु भी 2 चोटी बना करके मतलब धनिया का गड्डी लगा के तैयार हो गई है। जस्ट भैया आ गए तुरंत रेडी होने के बाद। अब हम लोग पहुंच चुके हैं KSL गार्डन। एक्चुअली पहले वेन्यू किसी और जगह पे होने वाला था ये सब चीज प्रोग्राम, लेकिन वेन्यू चेंज करना पड़ा इधर लास्ट मोमेंट, क्योंकि बारिश का मौसम हो गया था। पहुंचे उस समय ही स्टेज का डेकोरेशन स्टार्ट हो रहा था, हम लोग सब जा करके अपना विराजमान हो गए सारे के सारे लोग। बेटू आज सबसे ज्यादा क्यूट लग रही थी हम सबने। तो कुल मिलाकर के हमारे 18 गोत्र होते हैं, तो सारे गोत्रों का नाम सब बच्चों पर चिपकाया जा रहा था। लोग वैसे मंगल है, लेकिन वंशु को टायल लगाया गया है। फिर वंशु अपना झूला एंजॉय कर रही है, और यहाँ पे अग्रसेन जी महाराज एक बच्चा बना हुआ था वो आके स्टेज में बैठ गए। यहाँ पे हमारे चीफ गेस्ट गरिमा अग्रवाल आने वाली है, हम सब उनका वेट कर रहे थे। फंक्शन में मेरा फेवरेट कॉर्नर खाने का कॉर्नर। तो खाने में है यहाँ पे डोसा, इडली, सांबर, उपमा, उत्पम, वड़ा,
और यहाँ पे फलहारी लोगों के लिए केला रखा हुआ था, और ये दूध सबके लिए था, जो बादाम दूध आता है ना, केसर पिस्ता दूध, वो दूध था ये, जो कि बहुत 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 यम्मी था। यहाँ पे रबड़ी भी रखी थी एकदम गरम गरम, और गर्मा गर्म जलेबी जस्ट वहाँ पे तलाई रही। और खाने के बाद स्टार्ट हुआ अग्रसेन जी का क्विज। मेकअप करना उतना टफ नहीं लगता जितना छुड़ाना लगता है। सबसे ज़्यादा आई लाइनर तो सबसे पहले क्या किया कि नारियल तेल लेकर के अच्छे से पूरा मल मल करके पूरा छुटा लिया, टिश्यू पेपर से पहले उसे पोछ लिया। मतलब रात के 2 बजे मैं यही काम कर रही थी, सब लोग सो गए थे। टिश्यू पेपर से पोछने के बाद मैंने बेसन से पूरा फेस क्लीन कर लिया, बेसन से बहुत अच्छा पूरा मेकअप रिमूव। तो कल हमारा दिन और रात बहुत अच्छा बीता, बहुत मस्ती किया हमने, बहुत एंजॉय किया, और कल बहुत 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 ज्यादा मेकअप भी करके गए थे। और उसके बाद तो आते आते बज गया डेढ़, उसके बाद सोते सोते बज गया ढाई। और मैं अब चेहरा देख के लग रहा होगा कि अगर आप लेट से सो और लेट से उठ रहा होता है, ऐसा एकदम सुतल सुतल चेहरा दिखता है, और ऐसा लगता है नींद ही नींद आ रहा है और कुछ भी नहीं आ रहा है। तो कल बहुत ही कुछ जानने को मिला अग्रसेन जी के बारे में, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था उनके बारे में, कि वो पहले योद्धा ही बोल सकते हैं, कि उन्होंने बहुत कुछ चीज़ें, जैसे पशु बलि यज्ञ में पहले कंपलसरी था वो उन्होंने ही बंद करवाया था, और भी बहुत कुछ है जो उनके बारे में आप जान सकते हो। तो आप जाओ एक बार सर्च करके देखो उनके बारे में, लिटरली आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमें वहाँ से अग्रसेन जी का एक फोटो भी मिला था, और 2 सुंदरकांड का बुक भी मिला था, और भी क्विज विज हुआ था। तो उस पे मतलब मैंने हाथ उठाया, मुझे आंसर आता भी था, लेकिन जाने के आलस में ना इसलिए मेरा वो मिस हो गया, नहीं तो मैं भी वो भी विनर होकर के आती। तो चलो फिर, मैं आशा करती हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगे तो क्या करना है, सब्सक्राइब शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलूंगी मैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।